नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नक्सलग्रस्त इलाके में रहने वाले आदिवासियों ने गांव को बनाया स्मार्ट। गांव में है ठंडे और गर्म पानी का एटीएम, चप्पे चप्पे पर रहती है सीसीटीवी की नजर। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का आमगांव तहसील का नक्सलग्रस्त इलाका का रामटोला गांव आदिवासी बहुल गांव है। यहां के लोगों ने इस गांव को स्मार्ट बनाकर मिसाल पेश की है। रामटोला महाराष्ट्र में पहला ऐसा गाँव है जहाँ ठंडे और गर्म पानी का एटीएम लगा हुआ है। इस एटीएम से 30 रुपए में 500 लीटर शुद्ध पीने का पानी और गर्म पानी गांव वालों को मिलता है। इस एटीएम की वजह से गांव वालों को अब जंगल और खेतों से लकड़ियां काटकर पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही शुद्ध पानी पीने से बीमारी का डर भी नहीं है। ऐसे स्मार्ट गांव की वजह से इस ग्राम पंचायत का महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में नाम मशहूर हो गया है। पिछले 5 वर्षों में इस ग्राम पंचायत ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे इस गांव को स्मार्ट गांव कहा जाता है। यही नहीं, स्मार्ट योजना में इसने 10 लाख का इनाम भी पाया है। इसी पैसे से गांव में स्ट्रीट लाइट, हैंड पंप, डिजिटल स्कूल, सौर ऊर्जा, सीसीटीवी कैमरे और सौर ऊर्जा से चलने वाला गर्म एवं ठंडे पानी का एटीएम लगाया गया है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये पंक्तियाँ आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन इस गाँव ने उस पर अमल कर दूसरे गांवों के सामने उदाहरण पेश किया है। यही नहीं, गांव के लोग नियमित रूप से टैक्स भी भरते हैं, इसलिए यहां गर्म और ठंडे पानी का एटीएम लगाया गया है। इसके साथ ही गांव के युवकों के लिए यहां जिम भी खोला गया है। एरो एटीएम लगाने से हमारे गांव में बहुत फायदा हुआ है और ग्राम पंचायत की तरफ से ये दो कार्ड मिले हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। इसमें हमारे को 500 लीटर 20 रुपए में 500 लीटर 30 रुपए में 500 लीटर पानी मिलता है। और इस एरो मशीन एटीएम से मिलता है, एक कार्ड दिखाना पड़ता है और जितना हमारे को पानी लगता है, 1 लीटर 2 लीटर और 3 लीटर की बटन है, जितना पानी लगता है उतना हम पानी ले सकते हैं। पहले हमारे को जंगल में से खेतों में से लकड़ी लाके पानी वगैरह गर्म करना पड़ता था और उस चूल्हे के धुएं से हमारे आँख में प्रॉब्लम होती थी और समय भी लगता था, लेकिन अभी हम बाल्टी लेके इस एटीएम के वजह से हम थोड़े देर में ही पानी ले जा सकते हैं। जब पानी की जरूरत लगती है तब हम पानी ले जा सकते हैं। रामटोला ये गांव जो है ये गोंदिया जिले के पिछड़े इलाकों में से आता है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 70% आदिवासी जनसंख्या है। आदिवासी होते हुए भी इन लोगों ने जो शासन की सूचना होती है उसके हिसाब से स्मार्ट गांव बनाने का सोचा है और जो शासकीय तौर पे जो सूचना मिलती है उसको पालन किया है। उसके वजह से आज इस गांव को 10 लाख का पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार के माध्यम से आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे वाटर एटीएम, गर्म पानी और शुद्ध पानी का आरओ वाटर का एटीएम यहाँ लगा है और इस एटीएम के माध्यम से गिना चुना पानी मिलता है कम कीमत में। जो बाहर पानी 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है वो पानी यहाँ पे 1 रुपये में 20 लीटर देने का हमने सोचा है। जो लोग टैक्स देते हैं उसको पहले हम कार्ड इशू करेंगे और कार्ड की कीमत भी बहुत कम है, 30 रुपये में 1 कार्ड है। अगर दोनों कार्ड एक साथ लेते गर्म पानी और ठंड आरओ पानी का तो उसको 50 रुपये में हम देने का सोच रहे हैं। हमारे गांव में पानी के लिए पानी के स्वच्छ पानी मिलने को ना करके हमारे गांव में एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम निभाए हमने, तो हमारे लिए ठंडा पानी गर्म पानी ऐसा हमारे गांव में नावीन्यपूर्ण एक एटीएम बनाया है। वो एटीएम में ऐसे दो कार्ड रहते हैं, ठंडा पानी और गर्म पानी का। ये दो कार्ड हमको एक साथ लिए तो 50 रुपये में मिलते, ये भी जब मिलते हैं जब हम हमारे गांव का ग्राम पंचायत का टैक्स पे करते हैं, तो ये पे करने के बाद हम उन्हीं को ये कार्ड देते हैं। और इसी वजह से टैक्स भरने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं कि हम ये एटीएम कार्ड लेंगे और हमको ये ठंडा पानी गर्म पानी ये सुविधा एकदम से इजी है। इसी कारण ये
यारो का पानी हम 1 लीटर बाहर लिए तो 20 रुपये में मिलता है, और हमारे गांव में ये एटीएम कार्ड 30 रुपये का, महीने भर में हम 500 लीटर का पानी यूज कर सकते हैं। इस रामटोला ग्राम पंचायत को सरकार ने गाड़गे व स्वच्छता अभियान और स्मार्ट ग्राम जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। काश देश का हर गाँव रामटोला जैसा बन सकता। गोंदिया से ओम प्रकाश सपाटे, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।